रायबरेली सांसद सोनिया गांधी के प्रतिनिधि ने जयनारायण मिश्र के परिवार को दी सांत्वना। रायबरेली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयनारायण मिश्रा के निधन की सूचना पर क्षेत्रीय सांसद श्रीमती सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा उनके निवास स्थान पहुंचे। सांसद प्रतिनिधि ने श्रीमती सोनिया गांधी के शोक संदेश के साथ साथ श्री मिश्र के परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने इस मुसीबत की घड़ी में उनके परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने कहा कि जयनारायण मिश्र के निधन से कांग्रेस में एक अपूर्णीय क्षति हुई, जिससे भविष्य में पूरे राजस्थान ने कहा कि जयनारायण मिश्र ने श्रीमती इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस ही सक्रिय राजनीति में आए थे और उसके बाद राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी के निष्ठावान सैनिक के रूप में उन्होंने पार्टी को मजबूती प्रदान की। जिलाध्यक्ष ने कहा, इस दुख की घड़ी में पूरा संगठन जयनारायण मिश्र के परिवार के साथ खड़ा है और आगे भी पार्टी जयनारायण मिश्र का सहयोग कभी नहीं भूल पाएगा। इस दौरान उनके साथ शहर अध्यक्ष धीरज श्रीवास्तव, निर्मल शुक्ला, पूर्व सदर प्रत्याशी डॉक्टर मनीष सिंह चौहान, अन्य वरिष्ठ नेताओं ने श्री मिश्र के निवास पर पहुंचकर शोक जताया। मंडल क्राइम ब्यूरो चीफ लखनऊ अंशु श्रीवास्तव। कांग्रेस के बहुत पुराने नेता थे, कांग्रेस पार्टी में उनका विशेष योगदान था। उनके निधन होने से कांग्रेस पार्टी की अपूर्णीय क्षति हुई है। आज हम लोग हमारे साथ शोक संवेदना व्यक्त करने आदरणीय श्री के एल शर्मा जी सांसद प्रतिनिधि हैं आए थे और वो बहुत इस निधन से आहत हैं, क्योंकि इनकी सेवाएँ कांग्रेस पार्टी में बहुत हैं। सोनिया गांधी जी के सिपाही थे, प्रियंका गांधी जी के सिपाही थे, राहुल गांधी जी के सिपाही थे। निश्चित ही अपूर्णीय क्षति हुई है और इसकी भरपाई संभव नहीं।